तो अब हम बात करते हैं कि हार्वर्ड रेफरेंसिंग सिस्टम, ये एक स्टाइल है रेफरेंस देने का। अप्रोक्सीमेटली 30+ स्टाइल्स अवेलेबल हैं इस टाइम, जो रेफरेंस के स्टाइल को फॉलो करते हैं। लेकिन उसमें सबसे जो बेसिक है, जो मोस्ट कॉमन यूज होता है, वो है हार्वर्ड रेफरेंसिंग सिस्टम। हार्वर्ड रेफरेंसिंग सिस्टम और बहुत से हैं, लेकिन एक बात आप याद रखिए, जब भी आप किसी IEEE जिस तरह कॉन्फ्रेंस होगी या किसी और कॉन्फ्रेंस के अंदर जब आप अपना पेपर या अपनी बुक वगैरह पब्लिश करते हैं, तो वो खुद से सबसे पहले अपने SOPs में बता देते हैं कि आपने कौन से स्टाइल को फॉलो करना है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज होती है वो है हार्वर्ड रेफरेंसिंग सिस्टम। इन जनरल आर्टिकल हम ये आप देखेंगे कि किस तरह से हमने इसको यूज करना है। सबसे पहले इन टेक्स्ट और रेफरेंस लिस्ट का मतलब क्या है। इन टेक्स्ट का मकसद ये है, इन टेक्स्ट और रेफरेंस लिस्ट का मकसद क्या है। इन टेक्स्ट का मतलब ये है कि जब आप अपने किसी भी पैराग्राफ के अंदर आप काम लिख रहे होते हो, तो उस पैराग्राफ के अंदर जैसे ही आप किसी का काम कॉपी करते हो, तो आपको उसके साथ ही रेफरेंस देना जरूरी होता है, उसी पैराग्राफ के अंदर ही। मतलब कि जब आप किसी कोई बात जैसे ही कॉपी करोगे, उसके साथ ही आपने उस टेक्स्ट के साथ भी रेफरेंस देना है। और रेफरेंस लिस्ट का मतलब होता है कि आपका जो आर्टिकल है उसके एंड पे, एट द एंड ऑफ योर वर्क, आप रेफरेंस लिस्ट के नेम से एक हेडिंग देके आपके पेपर में जो भी रेफरेंस यूज होते हैं, आप उसे डिटेल के अंदर रेफरेंस देते हैं। यह एक पूरी लिस्ट पे बेस होती है। इस रेफरेंस लिस्ट के अंदर आप जो रेफरेंस होता है वो कंप्लीट देते हैं। अब हम देखते हैं कि इन टेक्स्ट के अंदर रेफरेंस कैसे देना है। आपने पैरेंथेसिस यूज करना है, उसके अंदर ऑथर का सरनेम। ऑथर का सरनेम का मीन है कि यहाँ पे ऑथर का लास्ट नेम यूज करेंगे, एंड देन कॉमा यूज करके ईयर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पे यूज करेंगे, एंड देन पेज नंबर इफ रिक्वायर्ड, और उस आर्टिकल जहां से आपने कॉपी किया है उसका पेज नंबर। आगे हम देखेंगे कि पेज नंबर कब रिक्वायर्ड होता है और कब हमने पेज नंबर नहीं देना जरूरी होता है और कब लाजमी देना होता है, उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है, गैथरी एंड पैटी एंड रेसी, ये तीन ऑथर हैं। ऑथर इनके ये लास्ट नेम है, कॉमा 2006 के अंदर ये जर्नल जो है वो पब्लिश हुआ था, एंड देन पी इज यूज फॉर पेज नंबर, स्मॉल पी डॉट यूज करते हैं हम पेज नंबर के लिए। इसको हम इसी रेफरेंस को हम अब रेफरेंस लिस्ट में कैसे लिखेंगे, अब हम ये देखते हैं। ऑथर का सरनेम एंड फर्स्ट इनिशियल, ऑथर का सरनेम का मतलब है कि आप इसके लास्ट नेम लिखेंगे, एंड देन ऑथर के फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर फर्स्ट इनिशियल कहलाता है। ठीक है, आपने फर्स्ट इनिशियल लिखना है, एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर पब्लिकेशन पब्लिकेशन ईयर लिखना है कि किस ईयर के अंदर वो पब्लिश हुआ था, एंड देन इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपने इसको लिखना है कि आर्टिकल, टाइटल ऑफ आर्टिकल, एंड देन नेम ऑफ जर्नल। नेम ऑफ जर्नल आपने इटैली के अंदर यूज करना है। वॉल्यूम, अगर जर्नल वॉल्यूम पे बेस करता है, तो आपने वॉल्यूम भी मेंशन करना है, एंड देन नंबर एंड देन रेंज ऑफ पेजेस। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे गैथरी, जे मतलब कि इसी ऑथर के फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर जे है। ठीक है, पैट्री आर एंड रेसिडी एफ 2006 के अंदर पेपर पब्लिश हुआ, एंड देन द वॉलंटरी रिपोर्टिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ये है टाइटल ऑफ आर्टिकल। ठीक है, एंड देन कंपेयरिंग एविडेंस ऑफ हांगकॉन्ग एंड ऑस्ट्रेलिया, जर्नल ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ये है नेम ऑफ जर्नल, बिकॉज ये इटैलिक लैंग्वेज के अंदर यूज किया गया है, इसलिए हम नेम ऑफ जर्नल। वॉल्यूम 7 नंबर 2 एंड पेज रेंज, डबल पी जब हम यूज करेंगे, डबल पी मीन कि आप पेज रेंज देते हैं। जब आपकी बात नंबर ऑफ पेजेस पे डिपेंड कर रही होती है, तो आप उसको स्मॉल डबल पी डॉट 254 से 271 इस तरह से पेज रेंज देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हार्वर्ड रेफरेंसिंग सिस्टम बुक्स के अंदर किस तरह से अप्लाई होती है। इन टेक्स्ट के अंदर उसी तरह ऑथर सरनेम, ऑथर सरनेम मीन के ऑथर का लास्ट नेम, एंड देन कॉमा यूज करके ईयर 2006
सिक्स जैसे यूज किया गया कि ये होता है कि पब्लिकेशन ईयर एंड पेज नंबर इफ रिक्वायर्ड, पेज नंबर को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं एंड पेज रेंज को स्मॉल डबल पी से। रेफरेंस लिस्ट के अंदर किस तरह से इसे लिखेंगे कि ऑथर का सरनेम एंड देन फर्स्ट इनिशियल मीन के ऑथर के फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर एंड देन ईयर, पैरेंथेसिस के अंदर उस ईयर लिखेंगे कि इस ईयर के अंदर ये बुक बुक पब्लिश हुई थी एंड देन द नेम ऑफ बुक इज रिटन इन द इटैलिक लैंग्वेज। आप नेम ऑफ बुक को इटैलिक लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे एंड देन पब्लिशर, पब्लिशर यहाँ पे होता है कि जो बुक को पब्लिश करता है उसको भी मेंशन करेंगे, ठीक है। एंड द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन में आप कंट्री भी लिख सकते हैं और आप अगर सिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये एग्जाम्पल में भी लिखा गया है कि वॉट्स ए ऑथर का सेकंड नेम है एंड देन और फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर हैं जिमरमैन, ये दो ऑथर हैं बुक के। 2006 के अंदर बुक जो है पब्लिश हुई थी एंड द पॉजिटिव अकाउंटिंग थ्योरी था बुक का नेम बिकॉज इट्स रिटन इन इटैलिक लैंग्वेज एंड देन पब्लिशर के नेम और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन राइट राइट है इसके। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कोट का कॉन्सेप्ट क्या है रेफरेंस के अंदर। रेफरेंस के अंदर कोट कोट का मीन ये है कि जब आप किसी आर्टिकल, किसी जर्नल या किसी ऑथर का काम जो आप कॉपी कर रहे हो अपने काम के अंदर, वो सेम एज वर्ड बाय वर्ड सेम है। मतलब आप किस वर्ड बाय वर्ड जब आप उसका काम को कॉपी करके अपने काम के अंदर लिखते हैं तो उसको कोट लिखते हैं। और कोट लिखने का मेथड ये है कि आप उसको इस तरह से सिंगल कोट के अंदर मेंशन करते हैं, मतलब कि यहाँ से सिंगल कोट शुरू हुई है और जहां पे बात खत्म होती है वहां पे सिंगल कोट एंड कर दी जाती है, जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। कोट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप वर्ड बाय वर्ड काम को कॉपी कर लेते हैं तब, और उसको रेफरेंस देने के लिए क्या है कि जैसे ही आपकी बात खत्म होगी आपने पैरेंथेसिस के अंदर ऑथर्स के नेम, ऑथर्स के सरनेम मीन ऑथर के लास्ट नेम गैथरी पैटी एंड रेसिडी कॉमा लगा के पेपर ऑफ ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2006 एंड पेज नंबर 256। कहा ये बात ये है कि कोड के अंदर पेज नंबर कंपलसरी होता है क्योंकि आपने वर्ड बाय वर्ड कॉपी किया है काम को उसके, वो किसी ना किसी पेज पे एग्जिस्ट करता है। तो आप इसमें यही कहा जाता है कि कोड के अंदर आप पेज नंबर को लाजमी दें, इसको यूज करें, ठीक है। और एक बात कि जब आप कोड के अंदर रेफरेंस देंगे तो वो सिंगल कोड के एंड होने के फौरन बाद शुरू होगा पैरेंथिसिस के अंदर, ठीक है। इस कोड के अंदर रेफरेंस नहीं आता, कोट सिर्फ बात जैसे खत्म होगी कोट एंड होके उसके साथ ही पैरेंथेसिस के अंदर आप रेफरेंस देंगे, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो रेफरेंस होता है वो फुल स्टॉप तक के लिए वैलिड होता है। जैसे ही आपके किसी टेक्स्ट के अंदर, चाहे वो टेक्स्ट रेफरेंस, चाहे जब आप टेक्स्ट रेफरेंस लिख रहे होते हो तो जैसे ही आपका जो वर्ड है आपका पैराग्राफ फुल स्टॉप के साथ एंड होता है तो वो रेफरेंस के लिए वैलिड नहीं होता। हमेशा जो रेफरेंस होता है वो फुल स्टॉप से पहले तक की बात के लिए वैलिड है। अगर आपने फुल स्टॉप के बाद कोई बात ली है तो उसके लिए आपको अलग से रेफरेंस देना जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे पैराफ्रेज पे कि पैराफ्रेज का कॉन्सेप्ट क्या है, पैराफ्रेज के अंदर किस तरह से हम रेफरेंस देते हैं। जिस तरह से हमने कोट के अंदर बात की थी कि हम वर्ड बाय वर्ड उसकी चीज को कॉपी करते हैं, पैराफ्रेज का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप किसी का काम को कॉपी करते हैं लेकिन आप वर्ड बाय वर्ड नहीं कॉपी करते, आप उसके कॉन्सेप्ट को लेते हैं और आप उसको अपने काम में अपने वर्डिंग के अंदर लिखते हैं। जस्ट आपने उसका कॉन्सेप्ट यूज किया होता है, वर्ड सेम एज वो नहीं होते। आप उसे अपनी लैंग्वेज के अंदर, चाहे मतलब ये कह लें कि इजी बना के लिखते हैं या आप अपने वर्ड्स के अंदर उसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका उसी दूसरे ऑथर का होता है, तो इसको कहते हैं पैराफ्रेज। पैराफ्रेज लिखने के लिए आपको कोट यूज नहीं करने होते, जस्ट आप टेक्स्ट लिखें जिस तरह से आप अपने पैराग्राफ में जैसे लिखा गया है, इन कम्युनिकेटिंग विद द स्टेक होल्डर इंटरेस्टेड इन एग्जर्टिंग इन्फ्लुएंस इन एरिया ऑफ स्ट्रेटेजी द एनुअल रिपोर्ट सर्विस एज द बेस्ट मीन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव दिस। ये टेक्स्ट को हमने कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट किसी और ऑथर का है लेकिन वर्ड्स हमारे अपने हैं, तो इसको बिना कोट के लिखेंगे। और इसी तरह जैसे देखें बात, जैसे ही बात खत्म हुई है उसके साथ ही स्टार्ट पे था पैरेंथेसिस करके आपने रेफरेंस देना है। रेफरेंस कैसे? गैचरी, पैटी एंड रेसिडी, ठीक है। ये ऑथर के नेम, ईयर 2006 एंड पेज नंबर 256। यहाँ पे जो पेज नंबर है वो आप ऑप्शनल दे सकते हैं, क्योंकि क्योंकि जब आप किसी की बात को अपने वर्ड्स के अंदर चेंज करते हैं तो वो ऐसा हो सकता है कि उसकी उसके पूरे पेज के अंदर वो बात एक्सप्लेन किया गया हो और आप सिर्फ एक पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन कर दें उसको इतने वर्ड्स यूज करके, तो आपको ऑप्शनल है कि आप पेज नंबर यूज करें या ना करें, ठीक है। पैराफ्रेज का कॉन्सेप्ट हो गया कि इसको आप अपने वर्ड्स के अंदर यूज करते हैं। और जैसे कि मैंने बात अभी की थी कि जो रेफरेंस होता है वो जस्ट फुल स्टॉप के लिए वैलिड होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही फुल स्टॉप यूज होगा, इस फुल स्टॉप से पहले पहले ये रेफरेंस यूज हुआ है, ये जो रेफरेंस है ये जस्ट इतने टेक्स्ट के लिए वैलिड है। इसके इस फुल स्टॉप के बाद जो भी बात लिखी गई होगी वो इस रेफरेंस पे बेस नहीं कर रही होगी। इस फुल स्टॉप के बाद जो बात लिखी गई होगी उसके लिए आपको नया रेफरेंस देना पड़ेगा। कोट और पैराफ्रेज अक्रॉस टू पेजेस, मतलब कि आपने एक ही ऑथर के पेपर में से कोट भी यूज किया है और पैराफ्रेज भी यूज किया है। जैसे कि पीछे हमने कॉन्सेप्ट कोट और पैराफ्रेज का पढ़ा है कि कोट को आप वर्ड बाय वर्ड यूज करते हैं और पैराफ्रेज को आप अपनी लैंग्वेज के अंदर अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। अक्रॉस टू पेजेस का मतलब ये है कि इसके अंदर पेज रेंजेस होंगी, मतलब कि आप ये कह लें कि आपने जो कोट है वो किसी और पेज नंबर से यूज किया है और पैराफ्रेज आपने नेक्स्ट पेज में से यूज किया है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम अपने रेफरेंस के अंदर। उसी तरह जिस तरह कोट को हम अपने सिंगल कोट के अंदर यूज करते थे और पैराफ्रेज को बिना कोट के यूज करते थे, इसी तरह जो पैराफ्रेज वाली बात होगी आप उसको बिना कोट के लिखेंगे, एक्सप्लेन वैसे ही कर देंगे जैसे कि पहले की गई थी, ठीक है। और जो बात आपने उसके काम में से सेम एज कॉपी की है उसको आपने सिंगल कोट के अंदर ही लिखना है, जैसे ये देखिए मेंशन किया गया है, यहां से बात लेकर यहां तक के लिए उसने सेम एज वर्ड बाय वर्ड कॉपी किया था, इसलिए इस बात को कोट के अंदर लिखा गया। और फौरी तौर पर फौरी बाद ही स्मॉल पैरेंथेसिस के अंदर उसका रेफरेंस दे दिया गया। ये देखिए ऑथर क्या, सरनेम, ईयर और पेज रेंजेस। आपको जैसे मैंने बताया था कि पेज रेंजेस के लिए स्मॉल डबल पी यूज होता है, इस तरह डबल पी ये शो कर रहा है कि ये 262 एंड 263 नंबर ऑफ पेजेस पे ये डिपेंड करता है। समरी, जब भी आप किसी की बात को किसी के पैराग्राफ को समराइज करते हैं अपने काम के अंदर तो उसको किस तरह से रेफरेंस करना है इस स्लाइड के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। समरी जो होती है वो एक बात माइंड में रखिएगा कि समराइज आप अपनी वर्ड्स में ही करते हैं, आप सेम एज उसकी चीज को अपनी चीज के अंदर कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि जो समराइज होता है जो खुलासा आप लिखते हैं वो अपने वर्ड्स में लिखते हैं वो कंसाइज होता है एक बात, क्योंकि जब आप उसके कॉन्सेप्ट को उसके पैराग्राफ को कंसाइज करके आप अपने काम में लिखेंगे तो वो समरी कहलाती है। इसको लिखने के लिए आप कोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और एक डिफरेंस ये है कि आप समरी लिखते हुए जो रेफरेंस है वो बात करने से पहले देंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे लिखा गया कि सबसे पहले ये देखें, ये है ऑथर के नेम, तीन ऑथर के नेम है, एंड देन ईयर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखा है, और आप देखें कि जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है जस्ट वो पैरेंथेसिस के अंदर है, लेकिन ऑथर के नेम जो है वो पैरेंथेसिस के बगैर है। इसी तरह इसने सेम एज यूज करना है और इसमें पेज नंबर नहीं दिया जाता, क्योंकि
समरी खुलासा जो होता है वो कंसाइज करके लिखा जाता है, और वो मल्टीपल पेजेस पे भी हो सकता है। वो बात को जब आप समराइज करके लिखेंगे तो वो किसी एक दो या तीन पेजेस पे डिपेंड नहीं कर रही होती, वो बिल्कुल होल आर्टिकल पे डिपेंड कर रही होती है, तो उसलिए आप इसमें पेज नंबर नहीं लिखते। इस तरह रेफरेंस देने के बाद आप एक्सप्लेन का वर्ड यूज कर लें या कोई भी जो आपको सुटेबल लगता है, आप यहाँ पे वर्ड यूज करके और फिर अपनी बात को शुरू कर दें। यहां से लेकर यहां तक बात को उसने एक्सप्लेन समराइज किया है। जैसे ही फुल स्टॉप यूज हुआ है, इस रेफरेंस का वैलिडेशन इस रेफरेंस की टेक्स्ट के साथ खत्म हो जाती है। बार बार ये आपको मैं याद दहानी करवा रहा हूं क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है कि फुल स्टॉप लगाने के बाद भी जो राइटर होते हैं वो अपनी बात को जारी रखते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमने रेफरेंस यूज कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही आप रेफरेंस फुल स्टॉप यूज करेंगे, आपका रेफरेंस की वैलिडेशन खत्म हो जाती है। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो ग्राफ, टेबल या न्यूमेरिक वैल्यूज पे बेस हो रही होती है, जैसे कि स्टैट वगैरह की न्यूमेरिकेशन। हम इसको डिफरेंट सर्वे में भी लेके आ सकते हैं कि जिस तरह सर्वे किया जाता है, पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से सर्वे किया जाता है, या पाकिस्तान में परसेंटेज देखी जाती है कि पाकिस्तान में कितने परसेंट मर्द हजरात और कितने परसेंट खवातीन हजरात हैं। अब ये परसेंटेज जो आबादी है या किसी सिटी की स्पेसिफिक आबादी है, या इस सिटी के अंदर कितने परसेंट बच्चे हैं, कितने परसेंट बुजुर्ग हैं, इन सब की जो परसेंटेज होती है वो स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के अंदर आती है। ठीक है, ग्राफ टेबल भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के अंदर ही आते हैं। इसको लिखने के लिए एक बात के अपने पेपर के अंदर कोई भी इस तरह की सर्वे वाली परसेंटेज को यूज करते हुए इस बात का बिल्कुल मेक श्योर करना है कि वो इंफॉर्मेशन जो आप परसेंटेज दे रहे हैं वो 100% एक्यूरेट हो। दूसरी बात, अगर आप किसी के पेपर में से उस टेबल को या उस डायग्राम को या उस सर्वे को कॉपी कर रहे हो, तो उसका रेफरेंस देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो टेबल या वो सर्वे आप उसके रेफरेंस उसके काम में से आप कॉपी कर लें और रेफरेंस ना दें तो ये बहुत बुरा समझा जाता है। इसको रेफरेंस देने का तरीका, मेथड ये है कि आप ये वाला लाइन यूज कर सकते हैं कि दिस वाज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 30 जून 1998। ये बात शो कर रहा है कि 30 जून 1998 के साल के एंडिंग तक की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो यहाँ से ली गई है। इसको लिखने के लिए, ये लाइन लिखने के बाद या उस टेबल या उस ग्राफ को मेंशन कर देने के बाद आप पैरेंथेसिस के अंदर इस तरह ऑथर का नेम मेंशन करते हैं, एंड देन कॉमास यूज करके ईयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन यूज करेंगे आप, ईयर ऑफ पब्लिकेशन उस ऑथर के पेपर की, ना कि आप किसी जो आप सर्वे यूज कर रहे हो उसकी डेट, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ईयर ऑफ पब्लिकेशन उस ऑथर के क्या ईयर लिखेंगे, एंड देन पेज 258। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के अंदर पेज नंबर देना बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो टेबल और जो ग्राफ यूज हुआ होता है किसी भी पेपर के अंदर या किसी भी आर्टिकल के अंदर, वो हमेशा एक एक टेबल को एक ही बार यूज किया जाता है, और वो किसी एक या दो पेज पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर टेबल लेंथ ही है तो वो एक से या दो पेजेस पे पहुंच जाता है, डायग्राम में है वो किसी स्पेसिफिक एक ही पेज पे मेंशन होती है, तो आपको यहाँ पे पेज नंबर देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि सेकेंडरी रेफरेंस क्या होता है। सेकेंडरी रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी एक ऑथर का पेपर रीड कर रहा हूं। ठीक है, मैं जिस ऑथर का पेपर रीड कर रहा हूं, उस ऑथर ने, उस पेपर वाले ने किसी और के पेपर का रेफरेंस यूज किया है, किसी और के पेपर की बात अपने पेपर के अंदर यूज की है, और आप उसका पेपर पढ़ते पढ़ते आप जो अपने पेपर के अंदर बात लिखना चाहते हो वो वाली बात है जो उस जो आप पेपर रीड कर रहे हो उसने रेफरेंस के तौर पर यूज की हुई है। फॉर एग्जाम्पल के आप कोई ए ऑथर का पेपर रीड कर रहे हो और उस ए वाले ऑथर ने किसी दूसरे बी ऑथर का रेफरेंस अपने पेपर में यूज किया है। ठीक है,
और आप अपने पेपर के अंदर बी ऑथर का रेफरेंस यूज करना चाहते हो तो इसको हम सेकेंडरी रेफरेंस के तौर पर लेंगे। एक बार अब हम इसे देखेंगे कि हमने सेकेंडरी रेफरेंस को टेक्स्ट के अंदर किस तरह से मेंशन करना है। ये देखें, ये एक ऑथर था डीकन, 2000 के अंदर इसने पेपर पब्लिश किया, और एक पेपर, ये पेपर है गैचुरी, 2006 के अंदर इसका पेपर है। आपको मैं इस रेफरेंस से समझाता हूँ कि क्या सेकेंडरी रेफरेंस क्या होता है। हम बेसिकली गैथरी का पेपर रीड कर रहे थे, ठीक है, और गैथरी ने डीगन के पेपर का रेफरेंस अपने पेपर के अंदर यूज किया है, और हम अपने पेपर के अंदर भी डीगन की बात को कोट करना चाहते हैं, तो इसको हम सेकेंडरी रेफरेंस कहेंगे। तो उसके लिए आपने इस डीगन का पेपर और उसका ईयर मेंशन करके इनका वर्ड यूज करना है। इन साइटेड लिख लें, इन साइटेड वर्ड यूज कर लें, या सिंपली सिर्फ इन वर्ड यूज कर लें वो भी ठीक है। और फिर पेज नंबर 256, और फिर दोबारा जिसका पेपर आप रीड कर रहे थे आपने उसका रेफरेंस देना है, और एंड पे पेज नंबर। ये सिर्फ तब यूज होना है जब हम इन टेक्स्ट के अंदर रेफरेंस दे रहे होंगे। लेकिन जब आप रेफरेंस लिस्ट के अंदर बात कर रहे होंगे तो आपने बिल्कुल भी सेकेंडरी रेफरेंस वाला चक्कर नहीं रखना, बल्कि आपने जैसे देखें कि डीगन वाली बात को, डीगन के पेपर को आपने अपने रेफरेंस लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं करना, बल्कि जो पेपर आप रीड कर रहे थे, जिस पेपर से आपने वो रेफरेंस उठाया है, आपने सिर्फ उसी ऑथर के पेपर को अपनी रेफरेंस लिस्ट के अंदर यूज करना है। जैसे देखें कि गैथरी का पेपर मैंने कहा था आप रीड कर रहे हैं, तो हमने रेफरेंस लिस्ट के अंदर गैथरी वाले पेपर का ही हमने रेफरेंस यूज किया है। देखिए, गैथरी इज द लास्ट नेम ऑफ ऑथर एंड जे इज द फर्स्ट नेम एंड फर्स्ट लेटर ऑफ ऑथर नेम। पैटी आर एंड रेसिरी एफ 2006 के अंदर पेपर पब्लिश हुआ, एंड देन उसके बाद उसी तरह नेम ऑफ जर्नल, एंड देन जर्नल का नेम और पेज नंबर। अब पेज रेंज के लिए डबल पी यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी रेफरेंस को क्या इसके फायदे हैं और हम क्यों यूज करें। बेसिकली जो मेन बात है, सेकेंडरी रेफरेंस को आप अपने पेपर के अंदर कम से कम यूज करें तो बेहतर है, क्योंकि ये ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आपके पेपर में नहीं डालेगा। एक बार क्योंकि सेकेंडरी एक बात आप ये बात जान लें कि जब भी आप अपनी किसी कॉन्फ्रेंस के लिए पेपर भेजते हैं तो वो आपके जो रेफरेंस होते हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं, या जो भी आपका आर्टिकल रीड कर रहा होगा, आपने रीडर के लिए बिल्कुल आसानी पैदा करनी होती है। तो इस तरह से जब आप सेकेंडरी रेफरेंस को बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि रीडर पहले एक पेपर पे जाएगा और उस पेपर से वो अगले अगले की रेफरेंस देख के वहां उस दूसरे पेपर पे जाएगा कि जिसकी बात आपने मेन कॉपी की है। इस तरह बहुत टाइम कंज्यूम होता है, तो इसलिए सेकेंडरी रेफरेंस को ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। इससे बचने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप सेकेंडरी रेफरेंस यूज करने की बजाय आप डायरेक्ट डीगन का पेपर का ही रेफरेंस दे दो। क्यों? कि आप डीगन के पेपर को एक बार रीड कर लो और आप उसी के रेफरेंस को मेंशन कर लो एज अ मेन प्राइमरी रेफरेंस बनाकर, ठीक है। इस तरह से सेकेंडरी रेफरेंस आपके पेपर के अंदर कम से कम यूज होगा और पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज्यादा। व्हेन इज द पेज नंबर रिक्वायर्ड इन द टेक्स्ट रेफरेंस? अब हम यहाँ बात करेंगे कि पेज नंबर कब कब यूज होना है, कहाँ कहाँ पे पेज नंबर हमें लाजमी देना चाहिए इन अ टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। तो मैंने जैसे ही आपको कहा था कि कुछ जगह पे आप पेज नंबर ऑप्शनल होते हैं दें या ना दें, जैसे कोट के अंदर है, कोट क्योंकि आप सेम एज बात उठा रहे होते हैं तो आप पेज नंबर उसमें दे दें तो ज्यादा अच्छी बात है। जहाँ पे लिखा गया स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पेसिफिक पेज, मतलब कि एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि कोट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, और वो जो आपने किसी का कॉल या कोट उठाया है वो सिर्फ एक ही पेज पे डिपेंड कर रहा है, तो आप वहां पे पेज नंबर लाजमी दें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अक्रॉस टू पेजेस, या फिर जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो दो पेजेस तक के लिए खत्म, दो पेजेस पे खत्म हो जाती है, तब भी आपको जरूरी है कि आप पेज नंबर दे दें, ठीक है।
क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जब की बात आती है तो वो बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो और वो बहुत कंसाइज। अब आप पैराफ्रेज के अंदर पेज नंबर ना भी दें तो बहुत अच्छी बात, बल्कि अच्छी बात है कि आप पैराफ्रेज के अंदर पेज नंबर ना दें, क्योंकि आपने उसकी बात को, पैराफ्रेज का मेन ही यही है कि आप अपनी वर्ड्स के अंदर यूज करके लिख रहे हो तो उसको पेज नंबर की जरूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट को बहुत जरूरत है पेज नंबर देने की। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, जैसे स्टैटिस्टिक्स में मैंने बताया क्या कि डायग्राम्स और टेबल और ग्राफ्स, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के न्यूमेरिक वैल्यू जहां पे होती है तो उसमें आप पेज नंबर लाजमी दें, क्योंकि इस पे बेस, इस पे बहुत जरूरी होता है पेज नंबर देना। डायग्राम पे, कोई भी डायग्राम और टेबल जब आप यूज कर रहे हो किसी का, तो उस वहां पे पेज नंबर लाजमी होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रेफरेंसिंग गवर्नमेंट और स्टैंडर्ड पब्लिकेशन। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप अपने किस अपने रेफरेंस के अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड कर दें तो वो स्टैंडर्ड पब्लिकेशन बन जाती है। अब हम बात करेंगे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है रेफरेंस के अंदर। ड्यू टू डिफरेंट इन्फॉर्म पब्लिशर सम टाइम एडिशनल रेलिवेंट डिटेल और रिक्वायर्ड टू पिन पॉइंट लोकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप बिल्कुल कॉन्साइज रीडर के लिए आप बहुत ज्यादा आसानी पैदा करके आप उसको एग्जैक्ट जहां से आपने वो जो पॉइंट है, जो आपने डाटा है वो कॉपी किया है, बिल्कुल उसी पॉइंट तक पहुंचा दें, तो वो सिर्फ आप एडिशनल इंफॉर्मेशन के जरिए ही पहुंचा सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं वो डिस्कस करते हैं। उसके अंदर सेक्शन, सेक्शन अगर उस पेज के पेपर के अंदर या आर्टिकल के अंदर है तो आप सेक्शन दे सकते हैं। एंड पैराग्राफ, आप रीडर की आसानी के लिए पैराग्राफ नंबर तक मेंशन कर सकते हैं अपने रेफरेंस के अंदर। ठीक है, जैसे कि इन टेक्स्ट के अंदर ये लिखा गया है AASB। AASB इज बेसिकली ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का एब्रीवेशन है। एंड देन 2007 इज पब्लिशिंग डेट। एंड देन AASB2 इट्स सेक्शन नंबर। ठीक है, कि कोई सेक्शन है वहां पे और सेक्शन नंबर 2 है। एंड देन पैराग्राफ को मेंशन करने के लिए पैरा का वर्ड यूज करके डॉट लगा के पैराग्राफ नंबर मेंशन करते हैं 19। इस तरह आप रीडर को बिल्कुल कंसाइज करके आप उसे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तक ही पहुंचा देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं कि रेफरेंस लिस्ट के अंदर किस तरह मेंशन करना है कि AASB ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 2007, AASB इस सेक्शन नंबर, और आगे शेयर बेस्ड पेमेंट्स, ये सेक्शन का नेम भी मेंशन किया गया है। आप सेक्शन का नेम तक मेंशन कर सकते हैं अपने रेफरेंस के अंदर। एंड देन सिटी भी मेंशन किया जाता है, और आप अपनी कोई भी अपनी आप लिंक भी कोई अपनी वेबसाइट का ऐड इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन आप किसी अपने रेफरेंस में दे दें ताकि रीडर जो है वो बिल्कुल पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाए, तो उसे कहते हैं हम रेफरेंसिंग गवर्नमेंट और स्टैंडर्ड पब्लिकेशन। विच शुड यू रिलाय ऑन द मोस्ट कोटिंग और पैराफ्रेजिंग, व्हाई। यहाँ पे हम ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें किस चीज पे बेस करना चाहिए, कोट पे या पैराफ्रेज पे, और क्यों। आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं बात बताता चलूँ कि पैराफ्रेज बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट डालता है आपके पेपर के अंदर बनिस्बत के कोटिंग के अंदर। क्यों, इसके कुछ वजह है। क्योंकि पैराफ्रेज का कॉन्सेप्ट ये है कि आप उसकी बात को अपने वर्ड्स में लिखते हैं। ठीक है, अपने वर्ड्स में चेंज करके, इजी बनाकर, या उसे अपने वर्ड्स के मुताबिक ढाल के आप उसको अपने पेपर के अंदर यूज करते हैं। और ये आप तब ही कर सकते हैं जब आप उसका पेपर को गौर से पढ़ें और समझें, और वो समझें कि वो क्या कहना चाहता है। एंड देन उसे अब अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप मेंशन करते हैं। आप इसमें खुद अंदाजा करें कि ये कितना पॉजिटिव पॉइंट जाएगा कि आपने पहले उसका पेपर रीड किया है फर्स्ट, एंड देन आपने उसे अंडरस्टैंड किया है, और देन फिर उसको अंडरस्टैंड करके आप इस काबिल हो कि आपने उसकी बात को समझ के अपने वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ये बहुत सी पॉजिटिव पॉइंट डालता है आपके पेपर के अंदर। तो पैराफ्रेज को यूज करना बहुत, इस पे ज्यादा तरजीह दी जाती है कोटिंग के निस्बत।
जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू हैव रीड, ये शो करता है कि आपने जो जो रीड किया है वो आपको समझ भी आया है। एंड देन अलाउ इंटीग्रेशन ऑफ सोर्स इंफॉर्मेशन इन टू योर ओन आर्गूमेंट मोर इजीली, इस मतलब कि वो ये बात शो करता है, अलाउ करता है कि आपने उसकी बात को अपने वर्ड में कन्वर्ट करने के काबिल भी हो, ये बात ज्यादा रिलायबल है। एंड देन कोटिंग, कोटिंग क्योंकि हम वर्ड बाय वर्ड यूज करते हैं तो हम ये बात इतनी नहीं है कि आप कोटिंग यूज ही ना करो अपने पेपर के अंदर, आप इसको तब तब यूज करो क्योंकि किसी का जो कॉल आपने लिखना होता है तो वो कॉल को आप वर्ड बाय वर्ड ही अपने पेपर में लिख सकते हो। तो जब आप किसी का सीन, किसी का कॉल आप लिखना चाहते हो अपने पेपर के अंदर, तो वो उसके लिए आप कोटिंग यूज करो, मतलब वर्ड बाय वर्ड यूज करो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, पैराफ्रेजिंग कॉज मिस इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस द कोट इट सेल्फ इज इम्पोर्टेंट। जब ये शो कर रहा हो कि कोट एक खुद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कि अगर आपने उसे अपने वर्ड के अंदर कन्वर्ट किया तो शायद वो अपनी मीनिंग चेंज कर डाले, अगर वो अपने अपने वर्ड चेंज होने से अपना मीनिंग तब्दील कर देगा तो आपको जरूरत नहीं है कि आप जबरदस्ती उसको पैराफ्रेज की फॉर्म में लिखें, बल्कि आप उसे कोट की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड देन एग्जैक्ट फ्रॉम द सोर्स आर पर्टिकुलरली फोर्सफुल। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि रेफरेंस करते हुए कौन कौन से कॉमन एरर कर दिए जाते हैं, कौन कौन से कॉमन एरर हैं जो रेफरेंसिंग में यूज होते हैं। मतलब कि अभी हमने सबसे पहले रेफरेंसिंग के स्टाइल्स को, हार्वर्ड स्टाइल को तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स कर जाते हैं लोग, जैसे कि मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ लोग इस तरह पैराफ्रेज के अंदर पेज नंबर दे देते हैं, तो ये कॉमन एरर्स हम डिस्कस करते हैं। नो रेफरेंस प्रोवाइड वेयर नेसेसरी, कि जहां पर जरूरत होती है, जहां पर आपने किसी की बात को कॉपी किया है वहां पर आप पे लाजमी है कि आप उसका रेफरेंस दें। ये लोग कुछ ये इसलिए ये चीज समझ के रेफरेंस नहीं देते कि शायद हम अगर रेफरेंस यूज करते जाएंगे तो लोग ये बात समझेंगे कि इसने तो अपना कुछ लिखा ही नहीं है, बल्कि इसने लोगों की बातों को ही कॉपी करके अपने आर्टिकल में लिख दिया है। तो इस चीज से वो, इस बात से बचने के लिए वो रेफरेंस यूज नहीं करते, तो ये बहुत बड़ा एरर है, मिस्टेक करते हैं वो। रेफरेंस ऐड कर देने से वो ये बात शो नहीं करता कि आपने कोई काम नहीं किया, बल्कि ये चीज शो करेगा कि आपने रिसर्च की है, आपने मल्टीपल आर्टिकल्स उनके पढ़े तो हैं, तो तभी आप रेफरेंस दे रहे हो उसका, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन एरर है। सेकंड पॉइंट, रेफरेंस प्रोवाइड वेयर नॉट नेसेसरी, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना बात के रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बात की पैराफ्रेज, पैराफ्रेज के अंदर वो पेज नंबर दे देते हैं, या फिर रेफरेंस वो खुद अपनी बात लिखी होती है और वो मतलब कब उन्हें पता नहीं होता उन्हें कि यहाँ पे रेफरेंस बनता है कि नहीं बनता, तो वो रेफरेंस यूज कर लेते हैं। इनकरेक्ट सोर्स प्रोवाइड एज रेफरेंस, ये बहुत बहुत ज्यादा कॉमन एरर है कि लोग रेफरेंस ही गलत लिख देते हैं। एक तो रेफरेंस स्टाइल गलत लिखते हैं, और एक ये होता है कि जिस पेपर के अंदर वो बात, जिस असल पेपर का रेफरेंस ही नहीं वो देते, क्यों कि लोग वो पेपर कुछ पढ़ते ही नहीं है, वो जस्ट ऐसी बात लिखते हैं और रेफरेंस ऐड करने के लिए किसी दूसरे पेपर का रेफरेंस ऐड कर देते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। एंड देन फोर्थ पॉइंट इज कोटेशन मार्क नॉट यूज वेयर नेसेसरी। अभी मैंने बात की थी कि कोट, जब आप कोटिंग यूज कर रहे होते हैं कोटेशन मार्क लाजमी यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो कोटेशन मार्क वो यूज नहीं करते जहां पे कोट यूज कर रहे होते हैं, वो ये चीज सोच के कोट को यूज नहीं यूज करते कि जैसे पैराफ्रेज पॉजिटिव पॉइंट में लिखा जाता है, तो हम कोटिंग, अगर हम कोटेशन मार्क नहीं लगाएंगे तो ये पता ही नहीं लगेगा कि हमने कोटिंग यूज किया है या पैराफ्रेज यूज किया है, तो इस तरह नहीं होता। जहां पे आपने किसी के सेम एज वर्ड्स उठाए हैं तो आपको वहां पे कोटेशन मार्क्स यूज करने चाहिए। पेज नंबर नॉट इंक्लूड वेयर नेसेसरी, अभी मैंने बात की थी कि पेज नंबर जहां पे लाजमी चाहिए होते हैं तो वहां पे वो मेंशन नहीं करते, जैसे कि स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, जहां पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जाती है वहां पे पेज नंबर लाजमी कंपलसरी होता है कि आप मेंशन करें, लेकिन कुछ लोग एरर, कॉमन एरर लोग कर जाते हैं कि वो मेंशन नहीं करते। इनकरेक्ट पेज नंबर गिवन, ये भी बहुत से ऐसे कॉमन पॉइंट है कि लोग पेज नंबर ही गलत मेंशन कर देते हैं,
जैसे कि पेज नंबर अगर 3 पे वो बात लिखी हुई है तो वो 2 पे 4 पेज नंबर लिख देते हैं, तो रीडर जो है वो उस पेज पे वो बात ढूंढता ही रह जाता है, उसे वो मेन पॉइंट मिलता ही नहीं है जो आपने रेफरेंस अपने पेपर के अंदर लिखा होता है, तो ये एरर है। यूज ऑफ पेज नंबर इंस्टीड ऑफ पैराग्राफ नंबर इन रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट स्टैंडर्ड पब्लिकेशन। अभी मैंने स्टैंडर्ड पब्लिकेशन में ये बात की थी कि आप पैराग्राफ नंबर यूज कर लें, ठीक है, मोर स्पेसिफिक करना होता है क्योंकि हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है यहाँ पे रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट और स्टैंडर्ड पब्लिकेशन के अंदर। तो लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ नंबर की बजाय पेज नंबर दे देते हैं कि हाँ इस पेज के अंदर बात लिखी हुई, नहीं बल्कि आपने उसे कॉन्साइज करना होता है, तो आप उसे पैराग्राफ नंबर के साथ मेंशन करेंगे। अगर नहीं करते तो ये एरर है। और मिस स्पेलिंग, बहुत सी मिस्टेक ऐसे करते हैं कि कुछ लोग ऑथर्स के नेम की मिस स्पेलिंग कर देते हैं, वो स्पेलिंग सही नहीं लिखते, या रेफरेंस के अंदर मैं किसी नेम ऑफ जर्नल या आर्टिकल का नेम लिखते हुए स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। इट्स वेरी कॉमन एंड इनकोरेक्ट इनकंसिस्टेंट पंचुएशन, और पंचुएशन का इस्तेमाल नहीं सही कर पाते, तो ये सारे आपने अपने आर्टिकल अपने जर्नल के अंदर इन कॉमन एरर से आपने बचना है। अब हम बात करेंगे कि प्लेसमेंट ऑफ इन टेक्स्ट रेफरेंस। टेक्स्ट रेफरेंस के अंदर अभी मैंने टेक्स्ट रेफरेंस के अंदर हमने बात की थी कि जब भी आप कोई पैराग्राफ के अंदर किसी की बात को कॉपी करते हैं तो आपने साथ ही पैरेंथेसिस के अंदर उसका रेफरेंस देना होता है। तो आप उसकी जगह पे ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फोर वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिसे आपने यूज करना होता है, तो आप उसकी जगह पर ये वाले पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक्स इज कंसीडर अ कंपोनेंट ऑफ मीन, यहाँ पे एक्स का मीन है कि ऑथर का नेम। आप यहाँ पर ऑथर का नेम मेंशन करके, फॉर एग्जांपल के गैथ्री ही मैं ले लेता हूँ, गैथ्री इज कंसीडर कंपोनेंट ऑफ, एंड वाई इज क्लेम टू बी, वाई इज क्लेम टू बी, एंड देन थर्ड पॉइंट है द टर्म जी रेफर टू। मतलब अब यहाँ पे एक्स वाई जी की जगह उस ऑथर का नेम लिख के ये दो वर्ड सेंटेंस लिख के आप अपनी बात को उस वो कॉपी वाली बात को यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आफ्टर आप यहाँ पे आफ्टर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ सेंटेंस एट द एंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब देखें, अब मैं हमने मैंने बात की थी कि जो रेफरेंस होता है वो फुल स्टॉप तक के लिए वैलिड होता है। अगर आप चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि उस फुल स्टॉप के बाद जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो भी उसी रेफरेंस के रिलेटेड है, तो मैं बार बार रेफरेंस नहीं देना चाहता, उसी के रेफरेंस को आप कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप इनमें से कोई भी एक लाइन को यूज करके आप उसकी बात को आगे कंटिन्यू फुल स्टॉप के बाद भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं ये बात करूं कि ये यहाँ फुल स्टॉप लगा और यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया हुआ था, ठीक है। अब जैसे ही अब मैं फुल स्टॉप के बाद भी बात जारी रखना चाहता हूँ और ये जो मैं बात लिखना लिखूंगा वो इस रेफरेंस पे बेस करेगी, तो मैं क्या करूंगा कि इस फुल स्टॉप के फौरी बाद मैं ये वाली लाइन को उस ऑथर को मेंशन करके, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक्स इज कंसीडर्ड अ कंपोनेंट ऑफ, लिख के मैं आगे बात कर दूंगा। इस लाइन को यूज करने से ये बात मेंशन हो जाएगी कि ये जो बात लिखी गई है ये प्रीवियस लाइन में जो रेफरेंस है ये उसी की बात को चली आ रही है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट इज सेवरल स्टडीज हैव रिलेटेड दैट, एंड देन यू कंटिन्यू योर वर्क। एंड देन अब हम देखेंगे कि हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म। मैंने स्टार्ट में आपको प्लेजरिज्म के बारे में बताया था कि हम रेफरेंस यूज ही प्लेजरिज्म को बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। क्या करें, रीड लाइक अ राइटर, मतलब क्या कि आप राइटर के तौर पर आप किसी आर्टिकल को रीड करें, ठीक है। जैसे कि रीड जो राइटर होता है उसने वो बात रिसर्च करके लिखनी होती है अपने पेपर के अंदर, तो आप उसको उस माइंडसेट के साथ रीड करो। देन टेक नोट ऑफ सोर्स वाइल रिसर्चिंग, क्या करें कि आप उस सोर्स को नोट कर लें, ठीक है। पैराफ्रेज वाइल टेकिंग नोट्स, आप उस नोट्स की बजाय आप उसमें पैराफ्रेजिस को यूज कर लें। रेफरेंस अप्रोप्रिएटली, रेफरेंस आप उसको अप्रोप्रिएट यूज करें। और मैनेज टाइम, आप इन मेथड को यूज करते आप प्लेजरिज्म से मैक्सिमम बच सकते हैं। आप अगर रेफरेंस को बिल्कुल सही फॉर्मेट के साथ, सही स्टाइल के साथ आप रेफरेंस को यूज करते हो तो आप प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। जी यहाँ ये थी हमारी आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 24। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू प्लेजरिज्म किया, टाइप ऑफ प्लेजरिज्म, रेफरेंस, टाइप ऑफ रेफरेंसिंग, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, हमने रेफरेंस
के बारे में किया गया रेफरेंस, हमने हॉरवर्ड रेफरेंसिंग किया, तो रेफरेंस की पॉसिबल सारी हमने बातें की हैं, कोट पैराफ्रेसिस एंड देन ईच एंड एवरीथिंग, और उसके बारे में बताया। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।